हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अंकुश वर्मा और आपका स्वागत है मेरी एक नई वीडियो पे। एंड आज किस वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं जिसका नाम आपने इस चैनल पे पहली बार सुना होगा। जी हाँ, क्रूड ऑयल। बेसिकली आप लोग आजकल, आप जानते हो, मैं अपनी जो लाइव पोजीशन है वो आपके साथ शेयर करता हूँ। अब वहीं पर मैंने क्या करा, दिन में तो मैं क्या करता हूँ, शेयर मार्केट की टिप दे देता हूँ आपको, निफ्टी की दे देता हूँ एंड बैंक निफ्टी की ट्रेड दे देता हूँ। अब जब शाम होती है तो मेरा मन करता है ट्रेड करने का, मैं क्रूड ऑयल में ट्रेड कर लेता हूँ। तो अब भैया वहाँ पर लोगों ने मुझे फीस दे रखी है और लोगों ने बोल रखा है कि अपनी लाइव पोजीशन शेयर करो, तो वहां पे मेरी क्रूड ऑयल वाली पोजीशन भी शेयर हो जाती है। तो लोग पूछ रहे थे कि सर जो क्रूड ऑयल है उसमें आप कैसे ट्रेड करते हो, हम क्या कर सकते हैं और ये मसला क्या है। तो बेसिकली बिल्कुल डिटेल से वीडियो को जानते हैं। एंड अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं, आपको नहीं पता कि ये होता ही क्या है, तो भी आप बने रहिए इस वीडियो में। आपके काम में आने वाली जितनी भी चीजें हैं वो सारी इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। तो देखो, क्रूड ऑयल एक बेसिकली M6 का पार्ट है। M6 क्या होता है, अगर आपने कमोडिटी का नाम सुना होगा तो आप समझ गए होंगे। कमोडिटी मतलब होता है जैसे गुआर हो गया, बाजरा हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया। आपने देखा होगा ना मार्केट में ट्रेड होती है, क्योंकि देखो जब हमारे पुराने दादा पापा वगैरह से आप बात सुनोगे तो वो लोग लगभग इन्हीं चीजों के बारे में जानते हैं, वो लोग शेयर्स के बारे में नहीं जानते। आज भी हमें डेफिनेशन देनी पड़ती है शेयर्स की, बेसिकली शेयर क्या होते हैं। अगर आप एक्चुअल में शेयर मार्केट, इंडियन शेयर मार्केट की बातें करते हो ना, तो वो आज भी M6 को ही माना जाता है। बिकॉज जितने भी लोग मार्केट से अमीर बने हैं और जितने भी लोग मार्केट में बिल्कुल नीचे सड़क पे है ना, वो लोग M6 की वजह से आए हैं। लोग पहले क्या करते थे, जैसे ग्वार हो गया, बाजरा हो गया, इन अनाज वगैरह में, इन जो चीजें होती है ना, जो एसेट्स होते हैं उन पे ट्रेड करते थे, और ये जस्ट सुना सुनाई में टिप आ जाती थी कि देखो भाई जो अपना गुआर है उसका रेट बढ़ने वाला है, तो हम क्या करते हैं बाय कर लेते हैं। तो इस तरीके से लोग पहले लॉसेस करते थे, प्रॉफिट बनाते थे। तो अब आपको समझना है कि जो कमोडिटी है आज भी एग्जिस्ट करता है, बस आज ये थोड़ा मॉडर्न हो चुका है। अब देखो कमोडिटी में अगर आपको पूरी तरीके से आना है तो बहुत सिंपल एकदम तरीका है, जैसे आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो ना डीमैट अकाउंट के वगैरह के थ्रू, वैसे आप यहां पर भी ट्रेड कर सकते हो। आप जैसे अपना डीमैट अकाउंट बनाते हो, उसके बाद आपको ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए क्या करना पड़ता है, बैंक स्टेटमेंट डालनी पड़ती है। तो वैसे अगर आप बैंक स्टेटमेंट और डालते हो तो आप अपना जो M6 वाला है उसको भी एनेबल कर सकते हो, एंड उसके बाद में आपको M6 की जितनी भी चीज़ें हैं वो अपने डीमैट अकाउंट में दिखने लगेंगे। सो ये भी एक बहुत बड़ा डाउट था लोगों के, सर M6 ट्रेड कहाँ पे होता है, तो वो मैंने आपको क्लियर कर दिया। लेकिन फिर से भाई बात, जो क्रूड ऑयल है बेसिकली है क्या, तो देखो ये एक एसेट है, क्रूड ऑयल ये बेसिकली एक ऑयल है जिसके अंदर हम ट्रेड करते हैं। अब आपके बिल्कुल बेसिक चीज़ें मैं पकड़ता हूँ, हम इसको कंपेयर करेंगे शेयर मार्केट से, कि शेयर मार्केट में चलो शेयर होता है, जैसे मान लो अडानी का शेयर है, तो अडानी एक बंदा है, उसने अपनी कंपनी की हिस्सेदारी हमें ले रखी है, तो इसकी क्या हम हिस्सेदारी ले सकते हैं। देखो ये एक एसेट है, जैसे अपना डिजिटल गोल्ड है, ठीक है, आप गोल्ड बाय करते हो, तो एक तो वो गोल्ड होता है जो हम अपने गले में पहन के रखते हैं, अपने मतलब नॉर्मल ज्वेलरी बनवाते हैं, एक उसका ही जो वर्जन आ रखा है डिजिटल। तो वैसे आप इसको मानो कि जो क्रूड ऑयल है ना, एक डिजिटल क्रूड ऑयल है। अब देखो डिजिटल की मैं बात कर रहा हूं आपको, तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि गोल्ड भी वहां पे रखा होगा और आपने जितने का मान लो डिजिटल बाय करा है, आपने 100 रुपए का गोल्ड बाय कर दिया, तो 100 रुपए का जो गोल्ड है आपका तिजोरी में रख दिया होगा। द आंसर इज नो, वो मार्केट में कहीं भी रहेंगे लेकिन आपकी वैल्यू बन गई। तो वैसे ही क्रूड ऑयल की भी एक वैल्यू है, कि इस वैल्यू के हिसाब से जैसे क्रूड ऑयल की वैल्यू घटेगी माइनस होगी, उसी तरीके से उस एसेट का भी जो प्लस माइनस होता रहेगा, तो वहां पे लोग क्या कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। फिर से वही बात कि जैसे हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, बिकॉज आप जानते हो हम अगर शेयर मार्केट में हैं, हमें कुछ शेयर्स को बाय करने हैं, हमने शेयर्स को बाय कर लिया, लॉन्ग टर्म के लिए हम होल्ड कर लेते हैं, कंपनी अच्छा वर्क करेगी तो नॉर्मल चीज़ है, हमारा पैसा भी ग्रो होगा। अगर कंपनी बंद है, इंडिया बंद है, लॉकडाउन लग गया, तो कंपनी क्रैश होगी, तो हमारा जो शेयर का प्राइस है वो भी क्रैश होगा। तो क्या इनमें क्या फंड रहता है, ये क्यों ऊपर जाते हैं, ये क्यों नीचे जाते हैं? देखो ये बेसिकली डिमांड एंड सप्लाई पे चलते हैं। अगर मार्केट में डिमांड ज़्यादा हो गई, मार्केट में हर लोग बस ये चाहते हैं क्रूड ऑयल दे दो, तो इसका जो प्राइस होगा वो क्या मिलेगा, बढ़ जाएगा। और अगर मार्केट में सप्लाई ज़्यादा है, मार्केट में कोई पूछ नहीं रहा, तो नॉर्मल चीज़ें जो इसका प्राइस है वो कम हो जाएगा। तो आपको ये सोचने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि किसी की क्रूड ऑयल कंपनी होगी या फिर कोई इसमें जब ज़्यादा बाय कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, डिमांड एंड सप्लाई का पूरा गेम है। अब हम क्रूड ऑयल में क्यों जाएं, M6 में क्यों ट्रेड करें, देखो यहाँ पे आपको 2 से 3 बेनिफिट बहुत अच्छे अच्छे मिलने वाले हैं। नंबर 1 बेनिफिट होता है लेवरेज। ये आपको नाम शब्द एक सुनना पड़ेगा। लेवरेज बेसिकली ऐसा काम होता है, जैसे आप अगर फॉरेक्स में ट्रेड करते हो, देखो इंडियन में ट्रेड कर रहे हो, आपको कुछ भी लेवरेज का मतलब ही नहीं पता, आपको बस इतना पता है आपके अकाउंट में जितने पैसे हैं उधर से ट्रेड करो, प्रॉफिट एंड लॉस हो जाएगा। लेकिन जो ये बंदे होते हैं M6 वाले, फॉरेक्स वाले, ये आपको लेवरेज देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको 10x का लेवरेज दे दिया, अब आपके पास अगर डीमैट अकाउंट में 10,000 रुपए हैं तो आपको 10x का लेवरेज मिल जाएगा, आपके पास कितने हो गए 1,00,000 रुपए, तो आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो 1,00,000 रुपए के हिसाब से हो जाएगा। अगर लॉस होता है तो आपका जो अकाउंट होगा वो माइनस में आ जाएगा,
करिएगा, प्रॉफिट होगा तो आपको पैसा बन जाएगा 10 लाख रुपए के हिसाब से, लेकिन आपके पास थे कितने 10,000 रुपए थे। तो नंबर वन जो बेनिफिट है लोग लेवरेज के लिए आते हैं MCX या फिर फॉरेक्स में। सेकंड चीज यहां पे टाइम, काफी लोग आपने सुना होगा मार्केट को इसलिए नहीं ट्रेड कर पाते बिकॉज मार्केट की टाइमिंग होती है वो 9:15 से लेकर 3:30 तक होती है, जो कि यहां पे ऐसा कुछ भी नहीं है। मार्केट यहां पे 9 AM पे तो ओपन होती है, रात को 11:30 बजे तक मार्केट बंद होती है। तो जितने भी ऑफिस वाले बंदे हैं, जो भी नौकरी पेशे वाले हैं, वो घर पे आके आराम से इसको ट्रेड कर सकते हैं। तो बेसिकली दूसरा बेनिफिट ये सबसे बड़ा यहां पे लोगों को लगता है। अब इंडियन जो लोग हैं वो क्रूड ऑयल में क्यों करते हैं, या फिर आप मुझे भी बोल सकते हो कि सर आप तो इंडियन में ट्रेड करते हो, निफ्टी करते हो, बैंक निफ्टी करते हो, तो आप क्रूड ऑयल में क्यों जा रहे हो? देखो हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर हमने कोई स्किल को कमा रखा है, अगर आपने मान लो गाड़ी चलाना सीख रखा है, तो जरूरी है आप जस्ट ओला या फिर रैपिडो पे चलाओगे, आप अपनी घरवाली भी गाड़ी चला लो, उसमें अगर आपको बेनिफिट हो रहा है तो वही चीज यहां पे भी हो रही है। अगर आपने कोई स्किल सीख रखी है, सपोर्ट एंड रिलेशन सीख रखे हैं, टेक्निकल सीख रखे हैं, तो आप उन चीज को क्रूड ऑयल में भी अप्लाई कर सकते हो और पैसा बना सकते हो, एक्स्ट्रा अर्निंग का सोर्स हो जाता है। तो ये तो थी अभी बेनिफिट्स की बातें और आपने बेसिक समझ लिया कि हम कैसे क्रूड ऑयल में ट्रेड कर सकते हैं, M6 का पार्ट होता है। और मैं आपको बता देता हूं कि जैसे हम अपने इंडियन मार्केट में ट्रेड करते हैं ना, लॉट साइज होती है, कॉल लेते हैं, पुट लेते हैं, सेम मेथड यहां पे भी होता है, बिल्कुल भी कुछ अलग नहीं है। इतना आपके अंदर डाउट क्लियर हो चुका है। अब बात करते हैं नेगेटिव पॉइंट्स की कि यहां पे दिक्कत क्या है, बिकॉज अगर मैं आपको सिर्फ अच्छाइयां बताऊंगा तो आप अच्छाइयां सुन के आ तो जाओगे, लेकिन फिर जो गलत बातें हैं या फिर जो नेगेटिव चीजें हैं उनसे आपको इनडायरेक्टली लॉस होगा एंड आप चैनल को अनसब्सक्राइब कर दोगे। सो अनसब्सक्राइब के लिए पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तो हिट द सब्सक्राइब बटन, लाइक बटन अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है। तो मैं आपको बताता हूं कि जो क्रूड ऑयल है उसमें नेगेटिव क्या है। देखो चलिए क्रूड ऑयल में कोई भी दिक्कत नहीं है, दिक्कत ही M6 में। अब दिक्कत क्या है, जो इसके बेनिफिट है, लेवरेज वाला बेनिफिट है, ये लॉस भी है। बिकॉज जब आदमी, अगर मान लो आपने आज 10,000 रुपए का लॉस कर दिया अपने डीमैट अकाउंट में, मैं अभी इंडिया से कंपेयर कर रहा हूं, आपने 10,000 रुपए का लॉस कर दिया, आपके पास 50,000 रुपए थे, अब अगर आप उसको रिकवर करना चाहते हो, आपके दिमाग में रहता है ना मैं आज ही रिकवर करूंगा, अब मान लो अगर रिकवर करना चाहते हो उसके लिए आपको क्वांटिटी ज्यादा चाहिए, आपको 40,000 रुपए नहीं, आपको तो 1,00,000 रुपए चाहिए अगर आप अपने 10,000 रुपए कवर करना चाहते हो, तो आप वहां पर लिमिटेड हो, आपका लॉस नहीं बढ़ सकता। लेकिन यहां पर आप लॉस बढ़ाने के लिए अगर सकते हो लेवरेज ले सकते हो। तो इंडियन मार्केट में ऐसा कुछ भी नहीं होता और यही चीज यहां पर मार्केट को या फिर हम जो ट्रेडर होते हैं उनको खराब करती है। बिकॉज हमें स्टार्टिंग में कुछ आता नहीं है, हमारे पास 10,000 रुपए हैं लेकिन हम माल ले सकते हैं 1,00,000 रुपए तक का, तो जब हमारा लॉस होगा क्योंकि हमें कुछ नहीं आता है तो लॉसेस होने की प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा होती है। तो लॉसेस होंगे बड़े अमाउंट में तो हम इनडायरेक्टली ज्यादा बड़े लॉस में जाएंगे, ज्यादा बड़ा लॉस होगा, आप प्रोसेस को नहीं फॉलो करोगे, अपने इमोशंस में आ जाओगे, आपको पता ही नहीं लॉस क्यों है, बस आप ये सोचोगे यार मैंने 1,00,000 रुपए का लॉस कर लिया, 1,00,000 रुपए का लॉस कर लिया। तो यही वाली दिक्कत है लेवरेज वाली। सेकंड चीज है टाइमिंग। देखो जो बंदे इंडिया ट्रेड कर रहे हैं, यानी कि निफ्टी ट्रेड कर रहे हैं, बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहे हैं, वो लोग इधर क्यों शिफ्ट हो रहे हैं? बिकॉज उनकी कोई ना कोई ऐसी दिक्कत है, वो इंडिया निफ्टी और बैंक निफ्टी से सेटिस्फाइड नहीं है, उनको लग रहा है यार मार्केट में आज निफ्टी ने मेरे को लॉस दिया है, वो लॉस मैं रिकवर करूंगा कहां पे करूंगा, अपना क्रूड ऑयल में करूंगा, तो वहां पे शिफ्ट हो जाएंगे, वहां पे भी ओवर ट्रेडिंग करेंगे, लॉस बना लेंगे। सेकंड चीज ये आती है, अगर आप क्रूड ऑयल में आ रहे हो, M6 में आ रहे हो, यहां पे सुबह 9 बजे से आपने ट्रेड बनाई, मान लो आपने 9 बजे से लेकर 11 बजे तक के बीच में 10,000 रुपए का प्रॉफिट कर लिया, अब आप बैठे हो खाली, आपने गेम भी खेल लिया, आप सो भी लिए, अब आपको 1 घंटा नींद आ जाएगी, 2 घंटा नींद आ जाएगी, आपने सब कुछ काम कर लिया, आप 12 से 1 बजे तक उठोगे दोबारा, उसके बाद आप फिर से बोर हो जाओगे, आप सोचोगे मार्केट में ट्रेड कर लेता हूं, आपने चलो एक ट्रेड बना लिया, आपका जैसे जो 10,000 रुपए का प्रॉफिट था उसमें से 5,000 रुपए का आपका लॉस हो गया, 5,000 रुपए आपके पास बचे, तो अब आपको जो वो 5,000 रुपए हैं वो अच्छे नहीं लगेंगे, आप उसको भी लॉस करने के लिए, उसको भी आप बढ़ाने के लिए करोगे और मार्केट में लॉस कर दोगे, एट द एंड क्या होगा, आपके पास जीरो हो जाएगा पैसा। अब आप बोलोगे यार इससे अच्छा सुबह में पैसे कमा के बैठा था, एक ट्रेड और मारता हूं लास्ट में, या तो लॉस या फिर प्रॉफिट मेरा वापसी आ जाएगा, आप उसमें भी लॉस करके बैठोगे, अब आपके पास फिर से लॉस हो गया, अब यानी कि ओवर ट्रेडिंग, आपने बार बार करते 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 ओवर ट्रेडिंग कर ली। अब ओवर ट्रेडिंग का रीजन क्या था, सुबह 9 बजे से लेके शाम को 11:30 बजे तक मार्केट ओपन है, आप करो क्या, आप तो भैया ओवर ट्रेडिंग करोगे, आपकी जो लाइफ है, पर्सनल लाइफ है, वो इतनी ज्यादा खराब हो जाएगी, क्योंकि अब क्या होता है मार्केट में सुबह 9:15 बजे मार्केट ओपन होती है, 3:30 बजे तक जितना भी अपने को दुखी होना होता है हम हो लेते हैं, 3:30 बजे के बाद में 2 घंटा सो जाओ, 5 बजे भी हम फ्रेश हो जाते हैं, 5 बजे हम थोड़ा नॉर्मल हो जाएंगे, लेकिन ऐसा वहां पे नहीं होगा, सुबह 9 बजे से लेकर 11:30 बजे तक आपने पूरी अपना जो दिन है वो खराब कर लिया, अगर आपने ओवर ट्रेड करा आप सेटिस्फाई नहीं हो पाते, काफी लोग 10,000 रुपए से भी खुश नहीं है, उनको 15,000 चाहिए, 15,000 बनाने के लिए वो लॉस कर रहे हैं, फिर ओवर ट्रेड कर रहे हैं। तो ये वाली दिक्कत भी कहां से आई है, अपने इस M6 के टाइमिंग की वजह से। तो मैंने आपको बताया
ना क्रूड ऑयल में कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे भी अपने सारी चीजें टेक्निकल्स वगैरह वर्क करते हैं, वैसे ही जो आप शेयर मार्केट में काम करते हो तो काम करना आसान है। लेकिन अगर आप मान लो यहाँ पे ट्रेड कर रहे हो तो जो इनकी चाल होती है M6 की, जो इतनी भी चाल होती है, हम बोल सकते हैं जो M6 जैसे बैंक निफ्टी है, लोग बैंक निफ्टी से डरते हैं, बोलते हैं बैंक निफ्टी से हमें खौफ है क्योंकि उसकी चाल इतनी ज्यादा है ना। ये नॉट क्रूड ऑयल, पूरी जो M6 है इसकी जो चाल है बहुत बड़ी है। अगर कोई मूवमेंट आनी हुई आप सो के उठोगे आपको दिख जाएगी 200 पॉइंट मार्केट अप। अब जिन बंदे ने ओवरनाइट पोजीशन ले रखी है वो क्या करेंगे, सारा कैपिटल एक दिन में चला गया। तो यानी कि मैं कहना चाह रहा हूं जो M6 की चाल होती है वो बहुत ज्यादा फास्ट होती है, तो जितने बिगिनर्स हैं वो प्लीज यहां से दूर रहे। अगर आप एक स्पेकुलेटर हो यानी अगर आप एक स्कैल्पर हो, आप जिस 10 से 15 मिनट आधी घंटा में अपनी ट्रेड को क्लोज कर दोगे, इंट्राडे ही रखते हो ट्रेड को, उसके बाद में आप हमें प्रॉफिट बना सकते हो। लेकिन अगर आप सोच रहे हो मैं शुरुआत ही क्रूड ऑयल से करता हूं M6 में आता हूं, तो बिगिनर्स के लिए भैया M6 बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ये मैं पर्सनल राय दे रहा हूं, बिल्कुल आप मेरे को भाई मानते हो, मैं आपको अपनी ऑडियंस मानता हूं, बिल्कुल फैमिली वाली राय देता हूं। अगर आप बिल्कुल सीख रहे हो, आप इंडियन मार्केट में पैसा नहीं बना रहे तो यहां पे आके जरूरत नहीं है पैसा बनाने की। अगर आप वहां पे भी प्रॉफिटेबल हो, आप सोच रहे हो यार चलो ठीक है वही चीज यहां पे भी करनी है, कुछ एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है, कुछ अच्छा पैसा बन रहा है, जेब खर्चा भी निकल रहा है, तो उसके लिए आप यहां पे आ सकते हो। लेकिन अगर आप बिल्कुल डायरेक्ट आ रहे हो तो वैसा तो भैया यहां पे कुछ है नहीं। तो होप मैंने आज की वीडियो से आपके जितने बेसिक्स डाउट थे, अगर आप एक ट्रेडर हैं तो आप M6 में आने की सोच रहे हैं, क्रूड ऑयल क्या होता है बेसिकली, सारे चीजें आपके लिए कवर कर दिए। अगर आप चाहोगे तो इसका मैं नेक्स्ट पार्ट लेके आऊंगा जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा क्रूड ऑयल में कैसे ट्रेड करना होता है, कैसे ट्रेड लेना है, कैसे ट्रेड को कट करना है, स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, लाइव मैं आपको ट्रेड करके दिखा दूंगा क्रूड ऑयल में। तो उससे आपको और ज्यादा अच्छी सी चीजें मिलेगी, और फिर अगर आप मेरे को कमेंट करते हो, वीडियो प्यार दिखाते हो, चैनल को सब्सक्राइब करते हो इस वीडियो से, तो उसके बाद में मैं क्रूड ऑयल की जो स्ट्रेटेजी जो मैं यूज करता हूं, बिकॉज मैं एक स्ट्रेटेजी यूज करता हूं मूविंग एवरेजेस की, अगर आप चाहते हो मैं वो भी शेयर करूं तो उसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, वीडियो को लाइक करना पड़ेगा एंड एक कमेंट जरूर से जरूर करना पड़ेगा। उसके बाद में मैं कोशिश करूंगा आपके लिए वो वाली वीडियो बनाना। सो होप आपको इस वीडियो से बहुत ज्यादा वैल्यू एडिशन होगी, एंड उसी के साथ में अगर आप हमारे साथ जुड़ के पैसा बनाना चाहते हो, जैसे कि मैं अपनी लाइव पोजीशन लोगों के साथ शेयर करता हूं, तो आप वो भी कर सकते हो, उसके लिए आप मेरी ये वाली वीडियो देख लेना। अदरवाइज आप मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड करो अंकुश वर्मा, उसके बाद में आपको मेरा कोर्स मिलेगा, उस कोर्स में एनरोल करो एंड उसके बाद में आप हमारे साथ जुड़ के पैसा बनाना स्टार्ट कर दोगे। एंड मेरा फ्री वाला टेलीग्राम भी है, वहां पर एक बार आ जाओ, वहां पर आप हमसे देखो कि हम क्या प्रोवाइड करते हैं, कैसे हम पैसा बनाते हैं, कैसे आप पैसा बना सकते हो, एवरीथिंग आप मेरे फ्री वाले टेलीग्राम में जुड़ सकते हो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड फ्रॉड से बच के रहना, मेरे नाम पे काफी ज्यादा फ्रॉड्स हैं, मैं किसी से भी पैसा कुछ भी नहीं मांगता हूँ लिंक वगैरह के थ्रू। आपको जो भी डाउट है मेरी एप्लीकेशन पे आओ, वहाँ पे चैट ग्रुप होगा, चैट में मेरे से पूछ लो कि भाई ये आप ही हो क्या, मैं यहाँ पे पेमेंट कर दूँ नहीं कर दूँ, आप मेरे से पूछो क्योंकि फ्रॉड बहुत ज़्यादा हो रहे हैं मेरे नाम पे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट पावर वीडियो से, तब तक के लिए धन्यवाद।